नमस्कार, मैं रोहितास कुमार, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू। आज अपन बीए पार्ट सेकंड के लिए भारत में तुर्कों की सफलता के कारण टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। भारत में 11वीं और 12वीं शताब्दी में तुर्कों ने आक्रमण किया। ये तुर्क कुछ संख्या में आते थे, फिर भी इन्होंने भारत में सफलता प्राप्त की। इन सफलता के पीछे कुछ कारण थे। इनमें से जो समकालीन इतिहासकार हैं, जैसे हसन निजामी है, मिनाजुद्दीन सिराज है, इन्होंने ये लिखा है कि खुदा ने इस्लाम को विजय प्रदान की। कुछ दूसरे थे, उन्होंने कहा है कि उनकी जो सेना थी वो भारतीय सेना से शक्तिशाली थी, भारतीय सेना दुर्बल थी। कुछ आधुनिक अंग्रेज इतिहासकार हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो अच्छे सैनिक थे, ठंडे प्रदेशों के रहने वाले थे, मांस खाते थे और युद्ध प्रिय थे। इस कारण से उन्होंने भारतीय सेना को पराजित किया। लेकिन ये ही सच नहीं है। भारत के अंदर जो राजपूत जाति थी, उसमें जो लगभग राज्य थे, वो सारे के सारे राजपूतों के अधीन थे और वो छोटे छोटे राज्य थे। राजपूत स्वयं एक वीर और साहसी जाति थी, लेकिन फिर भी वो पराजित हो गए। तो इन पराजित होने के पीछे बहुत से कारण हैं। उन कारणों को अपन निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। जो पहला कारण है वो है सैनिक कारण। सैनिक कारणों में भी जो पहली बात आती है वो है अस्त्र शस्त्र। भारतीयों का जो सैनिक संगठन था वो पुरानी पद्धति पर आधारित था। उनके जो अस्त्र शस्त्र थे वो भी पुराने थे, जबकि जो तुर्क थे उन्होंने नए अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। उनकी जो रणनीति थी वो भी अलग थी। भारतीय निसंदेह वीर सैनिक थे, वो युद्ध क्षेत्र में मरना जानते थे लेकिन लड़ना नहीं जानते थे, दाव पेचों का प्रयोग करना नहीं जानते थे। यही कारण था जिससे भारतीय पराजित हो गए। जहाँ तक अस्त्र शस्त्रों की बात है तो भारतीय मुख्यतः तलवार, भाले, जबकि वो धनुषों का ज़्यादा प्रयोग करते थे, जिनका प्रयोग दूर से किया जा सकता है। इसके अलावा उनकी रणनीति थी, भारतीय धर्मयुद्ध के अंदर विश्वास करते थे, धोखे में विश्वास नहीं करते थे, वो किसी तरह की चालबाजी नहीं करते थे, शाम होने के बाद में युद्ध करने में विश्वास नहीं करते थे, भारतीय सेना के ऊपर आक्रमण नहीं करते थे। तो ये बहुत से ऐसे कारण थे। जबकि इसके विपरीत जो तुर्क सेना थी, उनके लिए जो ये नैतिक कारण थे वो लागू नहीं थे। तुर्कों की जो सेना थी वो मुख्यतः घुड़सवार सेना थी, जबकि भारतीयों की जो सेना थी वो मुख्यतः पैदल सेना थी। और घुड़सवार और पैदल सेना के अंदर गति का फर्क होता है। तो घुड़सवार सेना सिर्फ उसके बीच से निकल के ही पैदल सेना को अस्त व्यस्त कर सकती है। वो धनुर्विद्या में इतने कुशल थे कि वो चलते हुए घोड़े के ऊपर बैठ के भी ठीक निशाना लगा दिया करते थे। तो इन कारणों से भारतीय सेना पराजित हुई। इसके अलावा जो भारतीय सेना का साज सामान था वो बैलगाड़ियों से ले जाया जाता था, जब बैलगाड़ी की गति बड़ी धीमी होती है, जबकि तुर्क इस काम के लिए ऊँटों का प्रयोग करते थे, जिनकी गति भी तेज होती है और उनको चारे की आवश्यकता भी नहीं होती। रास्ते में जो भी चीज़ें मिल जाती थी उनको खाकर वो अपना काम चला लिया करते थे। जो सबसे महत्वपूर्ण कारण आता है सैनिक कारण में, वो है रिजर्व सेना। भारत के राजा जितनी भी सेना होती थी उसको युद्ध में एक साथ लगा दिया करते थे और ये सेना धीरे धीरे थक जाती थी। और इसमें सुरक्षित सैनिक रखने का कोई प्रावधान नहीं था, जबकि तुर्कों के अंदर सुरक्षित सैनिक रखे जाते थे। और सुरक्षित सैनिक जैसे ही भारतीय सेना थककर चूर हो जाती, उस समय जो उनकी रिजर्व सेना होती थी उस रिजर्व सेना को युद्ध के अंदर
उतार दिया जाता था। और इसका ये फ़ायदा होता था कि जो थकी हुई सेना थी उसके ऊपर वो रिजर्व सेना भारी पड़ती और भारतीयों को हार का सामना करना पड़ता। दूसरा जो कारण है वो सामाजिक कारण है। जैसा कि हम जानते हैं प्राचीन काल के अंदर भारत में चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें से सिर्फ राज करना और राज्य की रक्षा करना ये क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत आता था, क्षत्रिय वर्ण का कार्य था। और अन्य जो वर्ग थे उनका ये काम नहीं था कि वो राज्य की रक्षा के लिए युद्ध करें। अतः समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इससे युद्धों से दूर था। धीरे धीरे जो वर्ण व्यवस्था थी वो जातिगत व्यवस्था में आ गई, लेकिन जातिगत व्यवस्था में भी युद्ध करने का जो कार्य है, राज्य करने का जो कार्य है, वो मध्यकाल में सिर्फ राजपूतों का रह गया। तो इस समय के अंदर सिर्फ राजपूत ही युद्ध करते थे, देश रक्षा का कार्य करते थे। तो हिंदू समाज का जो बहुत ज़्यादा भाग था वो इस कार्य में भाग नहीं लेता था, यानी साधारण जनता को शासन में हाथ बटाने का अधिकार नहीं था, इसलिए वो युद्ध में भाग नहीं लेते थे। राजा और प्रजा के बीच में घनिष्ठ संपर्क नहीं रहते थे, और कोई भी राजा हो प्रजा को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए वो इन राजनीतिक कार्यों से उदासीन थे। अतः राजपूतों को आम जनता का सहयोग नहीं प्राप्त, उसका नहीं उन्होंने सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। अगर आम जनता का सहयोग प्राप्त होता तो तुर्क इतनी आसानी से भारत में विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जो तीसरा कारण आता है वह राजनीतिक कारण। भारत में उस समय छोटे छोटे राज्य थे, राजपूतों के छोटे छोटे राज्य थे, और ये राज्य आपस में स्वयं झगड़ते रहते थे। इनके स्वयं के जो व्यक्तिगत कारण थे उन व्यक्तिगत कारणों के कारण ये आपस में झगड़ते थे। इनके जो संबंध थे आपस में वो मधुर नहीं थे। भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, इनके बीच में कोई तालमेल नहीं था, कोई संगठन नहीं था। जब भी कोई भी तुर्क राजा या तुर्क सेनापति किसी एक राजा पर आक्रमण करते तो दूसरे राजा को इससे कोई मतलब नहीं हुआ करता था। वो इस बात पे विचार नहीं करता था कि जो ये विदेशी आया हुआ है आज इस राजा को पराजित कर रहा है, कल उसको भी पराजित करेगा। लेकिन उन्होंने भारतीय राजाओं के आपसी फूट का लाभ उठाया और एक राजा के खिलाफ दूसरे राजा का उपयोग किया। ये भी एक कारण था जिसके कारण भारत में इन तुर्कों ने सफलता प्राप्त की। छोटे छोटे राज्यों को होना, आपस में झगड़ना, संगठन का अभाव, केंद्रीय सत्ता का अभाव, उनमें कोई तालमेल नहीं था। व्यक्तिगत कारण, जो राजा होते थे उनके पास स्थायी सेना का भी अभाव था। ये एक साथ और प्रशिक्षित सेना नहीं होती थी, तो इनको युद्ध के समय में इकट्ठा किया जाता था। युद्ध के समय में इकट्ठा करने पर ये व्यक्तिगत वीरता पर अधिक ध्यान दिया करते थे, और व्यक्तिगत जो वीरता होती थी उसी पे ज़्यादा काम किया करते थे। इसके कारण ये संयोजन से और जो एक सामूहिक सेना जिस तरह से युद्ध करती है उस तरह से युद्ध नहीं कर पाते थे। बहुत से इनमें से अनुभवहीन होते थे क्योंकि लगातार युद्ध नहीं करते थे। युद्ध के समय में ही सैनिकों को, सेनानायकों को इकट्ठा किया जाता था। इसके विपरीत जो तुर्कों की सेना थी वो अनुभवशील थी क्योंकि उनके अंदर युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता था और वो लगातार इसी काम के अंदर लगे रहते थे। दूरदर्शिता का अभाव था, दूर की नहीं सोचते थे। इन्होंने इस परिणाम को नहीं सोचा कि अगर ये तुर्क यहाँ पे सफल हो जाएंगे तो धीरे धीरे स्थायी राज्य स्थापित कर लेंगे। इनका यही विचार था कि ये युद्ध करेंगे, जीतेंगे और कुछ समय बाद में वापस चले जाएंगे। इस तरह से तुर्कों की अपेक्षा अनुभवहीन थे, दूरदर्शिता का अभाव था, और जो तुर्क सेनानायक थे उनकी अपेक्षा कम कुशल सैनिक भी भारतीय सेनानायक थे। ये भी एक कारण रहा कि तुर्कों ने भारत में सफलता प्राप्त की। अंत में जो कारण आता है वो आता है आकस्मिक कारण। कुछ संयोग ऐसे हुए जिनको अपन आकस्मिक कारण कह सकते हैं युद्ध के दौरान, जिससे भारतीय सेनानायक हार गए। इसी में एक 986 ईस्वी में
जयपाल ने सुबतिन के राज्य पर आक्रमण किया, तब कई दिनों तक युद्ध चलने के बाद भी युद्ध का कोई निर्णय नहीं हुआ, किंतु उसी समय अचानक भीषण हिमपात हुआ और जयपाल के अनेक सैनिक ठंड से मर गए और जयपाल को मजबूर होकर संधि करनी पड़ी। इसी प्रकार युद्ध के दौरान अचानक आनंदपाल का हाथी बिगड़ गया, जयचंद की आँख में तीर लग गया। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो एक आकस्मिक घटना थी, एक संयोगपूर्ण घटना थी, लेकिन इन घटनाओं ने युद्ध का जो परिणाम है वो बदल दिया, क्योंकि ये घटनाएं युद्ध के जो सेनानायक थे, राजा थे, उनके साथ घटित हुई और राजा ही मुख्यतः युद्ध के अंदर अपनी सेना का नेतृत्व करते थे और जैसे ही राजा के साथ कोई घटना घटित हो जाती थी तो सेना फिर भाग छुटती थी, उसके अंदर भगदड़ मच जाती थी। तो ये जो प्रमुख कारण थे जिनके कारण भारत में तुर्कों को सफलता प्राप्त हुई, जिसमें सैनिक कारण है, दूसरा सामाजिक कारण है, तीसरा राजनीतिक कारण है, चौथा व्यक्तिगत कारण है और पांचवे आकस्मिक कारण है, इन कारणों से भारत से बाहर से आकर कुछ गिनती के सैनिकों के साथ इन तुर्कों ने भारत में सफलता प्राप्त की। इनमें जो प्रमुख कारण माने जाते हैं उसमें सैनिक कारण, जिसके अंदर अस्त्र शस्त्रों की कमी, भारतीयों की रणनीति की कमी, और जो दूसरा जो कारण है वो इनका राजनीतिक कारण है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था, राज्य छोटे छोटे थे, आपस में उनमें विद्वेष भावना थी, आपस में झगड़े थे और उन आपस के झगड़ों के कारण जो ये बाहर से तुर्क आए इन्होंने सफलता प्राप्त की। धन्यवाद।